नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम धर्म विशेष में। मैं हूं आपके साथ शिफाली। हम आज अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे पौधों की। जी हां, धरती जीवन की कल्पना बिना पौधों के मुमकिन ही नहीं है। और तो और, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं कि पौधे आपके जीवन पर ज्योतिषीय प्रभाव भी डालते हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी खास मेहमान ज्योतिषाचार्य भावना शर्मा जी। स्वागत है भावना जी आपका। थैंक यू शिफाली। चलिए, कहते हैं कि इंसान की आंखें रंग देख सकती हैं। और तो और, वैज्ञानिक रूप से ये भी कहा जाता है कि इंसान की आंखें सबसे ज़्यादा हरे रंग को पसंद करती हैं और इसके शेड्स को सबसे ज़्यादा पहचाना भी जा सकता है। ये तो हरे रंग की बात हुई। और हरे रंग का ताल्लुक होता है पौधों से। हरियाली किसे अच्छी नहीं लगती, ऐसे में हरे रंग के पौधों का ज्योतिषीय महत्व भी बढ़ जाता है। भावना जी, आप ही कुछ बताइए इस बारे में। जी देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कई लोग ऐसे होते हैं, और आजकल तो मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठ करके सबसे पहले अपना फ़ोन देखते हैं। तो ज़रूरी है कि सुबह उठ करके आप क्या चीज़ पहले देखते हैं, इससे आपके पूरे दिन भर की जितनी भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चीज़ें होने वाली है इससे पता लग जाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है, जिन लोगों के दिमाग में एंग्जाइटी लेवल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि सुबह उठ करके वो गार्डन में घूमें, सुबह उठ करके नेचर से अपने आप को कनेक्ट करें। बिल्कुल। और नेचर यानी कि हरियाली, आप किसी भी तरह के पौधे, आप प्लांटेशन जितनी ज़्यादा अपने घर के आसपास करेंगे, सुबह उठ करके जितना ज़्यादा आप नेचर से कनेक्ट कर पाएंगे, उतना ही आपके जीवन में पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आप कई सारी चीज़ों से सुबह उठ करके कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सुबह का ये जो टाइम होता है उस टाइम पर आपका जो बॉडी होती है वो एनर्जी स्टोर करती है पूरे दिन भर के लिए। तो ज़रूरी है, आज जैसे कि हम बात करें पेड़ पौधों की, अलग अलग प्लांट्स के बारे में बताऊंगी आपको कि कौन सी दिशा में उन्हें रखना ज़्यादा महत्व रखता है और कौन सी दिशा में रखे जाने से आपके जीवन में वो सुख संपन्नता ला सकते हैं, एक तरह से पूर्णता ला सकते हैं। अगर बात करें हम अपने हिंदू धर्म की, तो उसमें तुलसी के पौधे को खास महत्व दिया गया है। देखिए, तुलसी का पौधा जो होता है वो त्रिदोष माना जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है और आप नियमित रूप से एक्सेप्ट संडे आप उसका सेवन करते हैं, तो आपके घर में किसी तरह का रोग, किसी तरह का कलह कलेश नहीं होगा। और जैसे मैंने कहा, तुलसी त्रिदोष मानी जाती है। त्रिदोष का क्या मतलब होता है? वात, पित्त और कफ को जो चीज़ काट सकती हो उसे कहा जाता है त्रिदोष। तुलसी में मर्करी भी पाया जाता है, इसलिए इसके पत्तों को चबाना नहीं चाहिए, इसलिए इसके पत्तों को आप डायरेक्टली स्वालो कर सकते हैं। तुलसी के पौधे को एक तरह से लक्ष्मी जी का रूप भी कहा गया है। तो अगर जैसे मैंने कहा, ये घर में अगर होता है, और कोशिश कीजिए डायरेक्शंस की अगर हम बात कर लें, सबसे पहले तुलसी का पौधा जैसे मैंने कहा लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। अगर आपके घर में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी है यानी कि नकारात्मक ऊर्जा है, तो तुलसी का पौधा उसे काटने की क्षमता रखता है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे घर में काम करते करते हम अगर बहुत ऊँचाइयों तक पहुँचते हैं, उनके करियर में ग्रोथ होती है, काम में ग्रोथ होती है, तो अचानक से नेगेटिव एनर्जी यानी कि नज़र लग जाना, नज़र दोष हो जाना, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप नियमित रूप से तुलसी का पौधे की पूजा करते हैं, उसका सेवन भी करते हैं, तो भी इस तरह की चीज़ें, नज़र दोष जैसी चीज़ों से आप मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कर लें डायरेक्शंस की, जैसे मैंने कहा हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को काटता है, तो ये पौधा उसे नष्ट करने की ताकत रखता है। लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा कभी भी साउथ डायरेक्शन में यानी कि दक्षिण भाग में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में लगा देंगे अपने घर की, तो वो फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान पहुँचाना शुरू कर देगा। तुलसी का पौधा आप घर में लेकर के आते हैं, तो उसको आप घर में उत्तर पूर्व या फिर पूर्व की दिशा में, तीन दिशाएं मेन हैं इसके लिए, या तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या फिर नॉर्थ या फिर ईस्ट डायरेक्शन में से लगाया जा सकता है। इन दिशाओं में लगाए जाने से तुलसी का पौधा आपके जीवन में, आपके घर में बरकत लेकर के आता है। इसके अलावा सुख संपन्नता लेकर के आता है। एक और छोटी सी चीज़, जैसे मैंने पहले भी कहा कि तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा करना, देखिए पूजा करने का अर्थात क्या है, संध्या काल के समय, क्योंकि तुलसी जो पौधा होता है उसमें लक्ष्मी जी का ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु जी का, क्योंकि जिस समय पर तुलसी पूजन किया जाता है उस समय पर भगवान विष्णु जी के साथ उनका जो शालिग्राम रूप है उनके साथ इनका विवाह किया जाता है तुलसी विवाह के दिन, तो शालिग्राम रूप की भी पूजा की जाती है इसके साथ। तो जिस घर में संध्या काल के समय तुलसी के पौधे के साथ साथ शालिग्राम की पूजा की जाती है, उस घर में किसी भी तरह की दरिद्रता, हमेशा फाइनेंसेस
का जो फ्लो रहता है वो बैलेंस रहता है। अब बात कर लेते हैं और पौधों के बारे में। तुलसी तो ऐसा एक मेन पौधा है। बेसिल लीव्स को अगर आप डेली भी यूज़ करते हैं, डेली भी इनटेक करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है फॉर योर हेल्थ आल्सो। इसके बाद अगर बात कर लें पारिजात के पौधे की, तो पारिजात के पौधे में शास्त्रों में कहा गया है कि ये समुद्र मंथन से निकला हुआ पौधा है, समुद्र मंथन के दौरान निकला हुआ पौधा है। देखिए ये जितने भी पौधे पेड़ पौधे होते हैं, ये कहीं ना कहीं पे हमारे धर्मशास्त्रों में जो कथाएं बताई गई हैं उनमें कहीं ना कहीं पे इनका कनेक्शन होता है देवी देवताओं से। तो इनकी पूजा करना, इन्हें घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। और वैसे भी नेचर यानी कि प्रकृति भगवान का प्रत्यक्ष रूप से एक स्वरूप है भगवान का, कि आप उसको महसूस कर सकते हैं। इसके पारिजात के जो फूल होते हैं उनको भगवान के चरणों में चढ़ाने से स्वर्ण दान यानी कि गोल्ड अगर आप दान करते हैं उसका पुण्य मिलता है, और इसके घर में होने से सारे देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। देखिए पारिजात का जो पौधा होता है उसको वाइट कलर का पारिजात का पौधा दिखाई देता है, और इसको अगर आप भगवान के चरणों में भी चढ़ाते हैं तो इससे आपके जीवन की जो बाधाएं होती हैं, जो हर्डल टाइम होता है, जो आपका हार्डशिप्स होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, और जैसे मैंने कहा स्वर्ण दान का फल आपको मिल जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले पौधे के बारे में, गुड़हल का पौधा। गुड़हल का पौधा रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं इसके। इसके अलावा गुड़हल का पौधा क्योंकि लाल रंग के फ्लावर्स होते हैं, इसीलिए जिनकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है या जिनका सूर्य नीच का है उनके लिए ज़रूरी है कि वो गुड़हल के पौधे को सींचना शुरू कर दीजिए, या फिर आप संडे के दिन, रविवार के दिन गुड़हल का पौधा अपने घर में लेकर के आएँ और उसे नियमित रूप से आप उसमें जल देना, उसे सींचना शुरू कर दीजिए। इससे आपका सूर्य जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, आत्मबल आपको मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो अगर बात करें बहुत ही खूबसूरत होता है, उतना ही ज़्यादा लाभकारी भी होता है ये पौधा। कहा जाता है कि इसे घर में लगाने से कानूनी संबंधित जो कानूनी संबंधित अड़चने आ रही होती हैं, अगर मान लीजिए कोर्ट कचहरी के जुड़े हुए मामले होते हैं, अगर आपको खासतौर पे कानून की तरफ से कोई दिक्कत आ रही है, ऐसी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है इस पौधे की, तो कि इसे आप किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी लगा सकते हैं। पूजा में भी गुड़हल के पौधे का इस्तेमाल किया जाता है, पूजा में भी माँ लक्ष्मी को इसको भेंट किया जाता है, और क्योंकि ये लाल रंग का होता है तो भगवान विष्णु को भी आप इसे भेंट अर्पित करते हैं। जी भावना जी, जैसे कि भावना जी ने बताया कि पेड़ पौधों से वैसे भी पॉजिटिव एनर्जी आती है, और अगर जो भी उपाय भावना जी ने आपको बताए अगर उन्हें फॉलो करेंगे तो घर में सुख समृद्धि भी आएगी। वैसे भावना जी, हिंदू धर्म में बरगद और पीपल का भी बहुत महत्व होता है, और तो और आंवले को औषधि तक माना जाता है, इसका क्या ज्योतिषीय महत्व है ये दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए बरगद की बात कर लें, पीपल के पेड़ की बात कर लें, शमी का वृक्ष की भी मैं बात करूँगी क्योंकि शमी को भी शनि से जोड़ा जाता है। तो बरगद और पीपल का पेड़ जो है हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पौधे इन्हें माना जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हर पौधे का अपना अलग हिंदू धर्म में महत्व है, इसको अलग अलग कथाओं से जोड़ा जाता है। अगर बात कर लें हम बरगद के पौधे की, तो उसको अब आप मंदिर में नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर बरगद और पीपल का जो पेड़ होता है, ऐसा कहा जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु जी का वास है, क्योंकि भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल में वास करता हूँ। तो पीपल के पेड़ की नियमित रूप से पूजा करने से भी आपके जीवन की मुश्किलें जो हैं खत्म हो जाती हैं। देखिए पीपल का जो वृक्ष होता है उसकी खासतौर पे अगर आपके जॉब से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, आपके इंटरव्यूज़ देने के बावजूद भी जॉब नहीं लग पा रही है, तो पीपल के वृक्ष में आपको कच्चा दूध, थोड़ा सा कच्चा दूध ऐड करके मीठा जल उसमें बना करके आपको अर्पित करना चाहिए, उसकी जड़ में आपको चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से, इस उपाय के करने से आपकी इंटरव्यू से जुड़ी हुई दिक्कतें जो हैं, जॉब से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं, ये खत्म हो जाती हैं। तो ये तो बात हुई पीपल और बरगद के वृक्ष की। बात कर लें आंवले का पौधा। आंवले का पौधा जो होता है घर में लगाने से घर में बीमारियां नहीं आती। देखिए आंवले के पौधे की बात करें तो आंवला नवमी आती है कार्तिक के महीने में आसपास, और जब उस समय पर आंवले की पूजा करी जाती है उस समय पर भगवान विष्णु जी को आंवले अर्पित किए जाते हैं, और आंवले के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है, 108 परिक्रमा देनी चाहिए। तो वही आंवले का वृक्ष अगर आप घर में लगाते हैं, घर में इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं आंवले के पौधे को।
अगर आप आंवले का पौधा घर में लगाते हैं तो पहली बात तो आंवले का पौधा दवाइयों में भी यूज़ किया जाता है। आंवले को आप बीमारियों से जो ख़त्म करने के लिए कई सारी दवाइयाँ इसके लिए बनाई जाती हैं। इसके अलावा इसको घर के नॉर्थ डायरेक्शन में लगाने से या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। उस घर में जिस घर में आंवले का पौधा लगा होता है उस घर पे कभी भी किसी तरह की कलह कलेश या किसी भी तरह की फाइनेंसिस से जुड़ी हुई दिक्कत नहीं आती। और जैसे मैंने कहा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। अगर आपके घर में आंवले का पौधा है भी तो आप नियमित रूप से एक आंवला कोशिश कीजिए भगवान विष्णु जी पर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद बात करें अगर श्वेतार के पौधे की, श्वेतार को आप क्राउन फ्लावर भी कह सकते हैं, क्राउन फ्लावर का पौधा होता है, उसको गणपति जी का पौधा या गणपति जी का स्वरूप माना जाता है ऐसा कहा जाता है। जो क्राउन फ्लावर का पौधा है इसे घर में लगाने से सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। साथ ही में क्राउन फ्लावर का जो पौधा होता है इसे आप घर के ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। क्राउन फ्लावर जैसे मैंने कहा भगवान गणेश जी की का स्वरूप इन्हें माना जाता है। तो किसी भी काम के लिए आप किसी भी काम की शुरुआत कर रहे हैं, किसी भी काम के लिए आप बाहर जा रहे हैं, यानी कि किसी की चीज़ की शुरुआत करना, उससे पहले आप श्वेतार यानी कि क्राउन फ्लावर का पौधा जो है उसके आगे एक दीपक जला दीजिए गणेश जी का ध्यान करके, गणेश जी की वंदना करके। ऐसा करने से भी आपका काम जो है पूर्ण तरीके से पूरा होगा, निर्विघ्न पूरा होगा, उसमें किसी तरह की कोई बाधा किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आएगी। तो श्वेतार का पौधा भी हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और इसे घर में लगाने से भी आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। इसके अलावा अनार का पौधा, अनार का पौधा बहुत इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। अनार का पौधा घर में लगाने से कर्जे से मुक्ति मिलती है। जी हाँ, कर्जा अगर आपके ऊपर चढ़ा हुआ है तो आप कोशिश कीजिए अनार का पौधा ले आइए और उसको आप नियमित रूप से सींचना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से अगर आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है तो वो बहुत ही जल्द उतर जाएगा। साथ ही में जो अनार का पौधा होता है उसमें जैसे कि रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, छोटी छोटी कोपल आती हैं और रेड ही फ्रूट्स आते हैं उसमें, तो इसको सींचने से भी, क्योंकि सूर्य का रंग जो है रेड कलर है, साथ ही में सूर्य की अगर आपको बल देना चाहते हैं, सूर्य भी आपकी कुंडली में उच्च का नहीं है नीच का है, या फिर सूर्य कमज़ोर है, या फिर जिन लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी लगती है, किसी भी काम को अपने डायरेक्शन से पूरा नहीं कर पाते, डिसीजन पावर बहुत कम है, उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो अनार के पौधे को रोज़ आप सींचें और कोशिश कीजिए रविवार के दिन यानी कि संडे के दिन आप उसमें जल ज़रूर दें तांबे के लोटे से। इसके अलावा अनार की जो कलम होती है, उसके पेड़ की जो कलम होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पूजा पाठ में उसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस समय पर आप दिवाली पूजन करते हैं उस समय पर भोजपत्र के ऊपर ओम स्वास्तिक साथ ही में श्रीम, क्योंकि श्रीम को आप पूरे तरीके से अगर देखें तो श्री का मतलब होता है लक्ष्मी जी। श्रीम आप अनार की कलम से ओम स्वास्तिक और श्रीम अगर लिख करके दिवाली वाले दिन उसकी पूजा करते हैं भोजपत्र पे लिख करके, इससे लक्ष्मी जी तो आती ही हैं साथ ही में स्थायी रूप से आपके घर में विराजमान रहती हैं। भगवान विष्णु की कृपा और समस्त देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहती है। तो अनार का पौधा साथ ही में अनार का हर एक पौधे की हर एक चीज़, जैसे मैंने कहा अनार की कलम, उसका भी अलग इम्पोर्टेंस होता है। पूजा पाठ में इन चीज़ों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर बात कर लें हल्दी का पौधा, हल्दी का पौधा लगाने से घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं होती। देखिए हल्दी का पौधा जो होता है उसमें ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु का वास तो होता ही है, साथ ही में हल्दी क्योंकि एंटीसेप्टिक मानी जाती है, इसीलिए किसी भी तरह की बीमारी, किसी भी तरह का कोई रोग अगर आपके घर में है या ऐसा कोई रोग है जो कि असाध्य रोग है, जो कि किसी बड़े बुज़ुर्ग को भी अगर कोई ऐसी दिक्कत है, तो इस हल्दी का पौधा घर में लगाने से बीमारियों से छुटकारा मिलता है। अब बात कर लेते हैं बेल वाले पौधों की, जो कि क्रीपर्स जिन्हें कहा जाता है, जो कि बेलें होती हैं लंबी लंबी। कई लोगों का शौक होता है कि वो बेल वाले पौधे अपने घर में लगा लेते हैं, अपने घर की एंट्रेंस पर लगा लेते हैं। तो देखिए अगर क्रीपर्स यानी कि जो लताओं वाले पौधे होते हैं उसको आप प्रवेश द्वार पर या फिर अपने ख़ास तौर पर ऐसे एरिया पर आप लगाते हैं जो कि जो आपका एंट्री स्पेस होता है,
जैसे कि बालकनी स्पेस या फिर बाहर का जो एक्सटीरियर स्पेस होता है वहाँ पर आप लगाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि बालकनीज में अगर आप ये बेल वाले पौधे लगाएंगे तो ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही में घर में किसी तरह का नज़र दोष भी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें कि जो लताएँ वाले पौधे होते हैं, जो बेल वाले पौधे होते हैं, उसका कंपाउंड को दीवारों से ऊंचा नहीं जाने दें, उसको दीवारें जो हैं उससे थोड़ी सी नीची ही रहें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वैसे भावना जी, गर्मियों का मौसम है और ये आम का भी मौसम होता है, क्या आपको आम को लेकर कुछ जानकारी दर्शक जानना चाहेंगे वो भी बताइए। बिल्कुल, बात कर लें अगर आम के पेड़ की, आम के पौधे की, तो ज़्यादातर घरों में आम के पेड़ लगे होते हैं और लोग बड़े शौक़ से अलग अलग तरह के आम का पेड़ लगाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये जो आम का पेड़ होता है, आम का पौधा होता है, घर के आसपास लगा होना आपको किस तरह की हानि पहुंचा सकता है। घर के आसपास अगर आम का पेड़ होना आपके बच्चों को पर बुरा असर डालता है, साथ ही में घर में रहने वाला जो मेन वो होता है उस पर भी बुरा असर डालता है। ऐसे पेड़ जो होते हैं वो शौक से तो कभी भी नहीं लगाने चाहिए, और अगर पहले से ही ऑलरेडी आपके घर के आसपास है आम का पेड़ तो उसे आप उसकी जड़ समेत उसे निकलवा करके किसी और जगह आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नारियल, नीम, अशोक के पेड़ जो माने जाते हैं वो आप लगा सकते हैं। नारियल का पेड़ या नीम का पेड़ या अशोक का पेड़ घर के आसपास लगाने से आपके घर में एक तरह से सुख समृद्धि मान सम्मान आपको मिलता है। इसके बाद बात कर लें कृष्णकांता का बेल जो होता है, कृष्णकांता की जो बेल होती है उसमें ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं, नीले रंग के फ्लावर्स होते हैं, इसे लक्ष्मी जी का स्वरूप भी माना जाता है। आर्थिक समस्याएं अगर आप लगाते हैं ये बेल तो इससे आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाती हैं। बात कर लेते हैं बेलपत्र की, तो बेलपत्र का पौधा भगवान शिव को बेहद पसंद है, शिवरात्रि वाले दिन बेलपत्र उन पर चढ़ाया भी जाता है, इस पर स्वयं भगवान शिव का वास होता है, जहाँ ये पौधा होता है वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लक्ष्मी जी का वास होता है। और एक और छोटी सी चीज़ मैं सभी को बताना चाहूँगी, जो कांटे वाले पौधे होते हैं, जो कैक्टस वाले प्लांट्स होते हैं, उनको आपको घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अगर बात करें घर में लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है, शादी में दिक्कत आ रही है, तो आपको किस तरह के पेड़ पौधे लगाना लाभकारी रहता है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि घर में हल्दी का पौधा जो है वो आप लगा सकते हैं, या फिर भरणी नक्षत्र में आंवले का पौधा घर में पूर्व या फिर दक्षिण दिशा में आप लगा सकते हैं, शादी के योग जल्द ही बनने लग जाते हैं। घर में गेंदा लगाने से भी आपका बृहस्पति यानी कि आपका जुपिटर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, कोशिश करनी चाहिए गेंदा जो होता है वो अपने घर की छत पर लगा लें या बालकनीज में लगा लें तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर घर के बच्चों की बुद्धि तेज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर घर में पैसा नहीं रुकता है तो क्या करना चाहिए, अशोक का पेड़ घर में लगाने से बच्चों की बुद्धि तेज़ होती है, साथ ही में आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होती है। शुक्रिया भावना जी, आपने हम सबको इतनी अच्छी जानकारी दी आज पौधों के बारे में, और आपको हम बता दें कि तेज़ हमेशा यही कोशिश रहती है तेज़ की कि हम आपको एकदम हटकर एकदम अलग जानकारी दें। तो पौधों के महत्व के बारे में हमने जाना और क्या कुछ आपको करना चाहिए जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आए, इसके बारे में भी भावना जी ने आपको बताया। शुक्रिया भावना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।